कि जो बाइबल के अंदर घोड़ों का वर्णन दिया गया उन घोड़ों का, संसारिक घोड़ों का अलग है, परंतु यहाँ जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 6:1-8 और जकरिया में जो मैंने आपको बताया है, जिन घोड़ों का वर्णन है वो आत्मिक रीति से उसका वर्णन किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में और प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हैं, हम 3रे खंड में हैं। परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहरबंद पुस्तक के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 5:11 से लेकर 14 तक, और उसमें बहुत सी बातें जो थी हमने सीखी थी। परमेश्वर के सिंहासन के बारे में सीखा था, 24 प्राचीनों के बारे में सीखा था और 4 प्राणियों के बारे में जो है हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 6 से। 6 को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर मोहरों का जिक्र है। वो मोहरें जो एक मोहरबंद पुस्तक थी जिसको खोलने वाला कोई नहीं था, और प्रभु यीशु मसीह जो है उस पुस्तक की मोहरों को खोलता है, और एक एक मोहर खोलती है तो एक एक घटना का वर्णन वहां पर दिया गया है। और ये आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 6:1-17 तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर 6 मोहरों का जिक्र है फिलहाल तो उसके अंदर। परंतु स्टार्टिंग की जो 4 मोहरें हैं, उन 4 मोहरों पर खुलने पर जो है, एक एक मोहर जब खुलती है तो वहां पर एक एक घोड़े का वर्णन किया गया है। और सबसे पहले हम उन घोड़ों के बारे में समझ लें। स्टार्टिंग की जो 4 मोहरें हैं उनके साथ 4 घोड़ों का जो है वो वर्णन किया गया है। ये 4 घोड़ों का क्या मतलब है? बाइबल के अंदर जो है घोड़ों का बहुत जिक्र है, बहुत सी बातें घोड़ों के बारे में कही गई हैं, बहुत सी रेफरेंस जो हैं आपको बाइबल के अंदर घोड़ों के बारे में मिल जाएंगे। पुराने समय में लोग जो थे घोड़े बहुत पसंद करते थे, और बहुत और उत्तम जो घोड़े ज़्यादातर होते थे वो मिस्र के जो घोड़े होते थे वो बड़े उत्तम होते थे, और लोग जो थे मिस्र से घोड़ों को मंगवाया करते थे जो पुराने समय में, उस समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे। और सुलेमान के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो सुलेमान के लिए भी घोड़ों का जो झुंड का झुंड जो था वो मिस्र से आता था, और वो उनके दाम दिया करता था और वहाँ से जो है बहुत से उत्तम घोड़े मंगाया करता था। इसका मतलब है कि जो मिस्री घोड़े हुआ करते थे वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे। और घोड़ों का अपना एक और है, आजकल आपने देखा होगा मोटर वगैरह जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उनका नाम भी क्या है, पावर हॉर्स। पावर हॉर्स के नाम से जो है ये इंजन जो है कितने पावर हॉर्स का है, इसका इंजन कितने पावर हॉर्स का है, जो आप जान तो बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए इन घोड़ों को समझना जरूरी है। इससे पहले कि हम उन मोहरों को खोलें और उन घोड़ों के बारे में, उन घटनाओं का वर्णन करें, हम पहले घोड़ों के बारे में जान लें। देखिए, हम मिस्र की बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यशाया 31 उसके 3 में लिखा हुआ है, मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य हैं, और उनके घोड़े आत्मा नहीं मासी हैं। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाला और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे, और वे सबके सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। जी हाँ, देखे बहुतों को मिस्र को अपनी ताकत पर बड़ा भरोसा, उसको अपने घोड़ों पर बहुत भरोसा। बहुत से लोग मिस्रियों को की सपोर्ट जो है लेना चाहते थे, परंतु परमेश्वर कहता है मिस्री हैं कौन, आखिर है तो मनुष्य, वो ईश्वर तो नहीं है, और उनके घोड़े क्या है, वो आत्मा नहीं है कि आत्मा एकदम से कहीं चली जाए और कुछ भी कर दे, लोगों को दिखाई ना दे, वो आखिर मासी हैं, यानी शरीर ही है वो, और वो नष्ट हो सकते हैं और होते हैं, क्योंकि जब घोड़े हैं मांस है तो नष्ट तो होना ही है। मगर जब परमेश्वर कहता है कि अगर वो इतने ताकतवर हैं और आपको घमंड है उनके ऊपर, यदि मैं उनके विरोध में आ जाऊं, मैं उन्हें नाश करने पर आ जाऊं, तो वो उनको बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सही है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए वो क्या कहता है, यशायाह 31:1 भी पढ़ रहा हूं मैं, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं।
पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, आज भी अगर इस स्थिति को देखो, लोग क्या है, मिस्र उस समय शक्तिशाली देश था, बहुत पावरफुल, और उसके अंदर जो भी चीजें, जो उसके घोड़े, जो उसके सैनिक बड़े बलवान शूरवीर हुआ करते थे, और इसलिए उसने बहुत से देशों के ऊपर जो है हुकूमत भी करी है। परंतु परमेश्वर यहां क्या कहना चाहता है कि जो इज़राइल का परमेश्वर है, जो इज़राइल का सृष्टि करता है, वो उसके ऊपर दृष्टि नहीं करते हैं कि वो क्या है, और परमेश्वर की खोज नहीं करते। आज भी सेम चीज यही है, बिल्कुल उस समय जो मिस्रियों पर भरोसा करते थे, आज भी हम लोग मनुष्यों पर भरोसा करते हैं। तभी तो यिर्मयाह नबी कहता है अपने पुस्तक में, वो लिखता है कि शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। जी आज हम मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, जो ताकतवर होते हैं हम सोचते हैं इसका हमें सपोर्ट मिल जाए, जो पैसे वाले होते हैं हम सोचते हैं इनका सपोर्ट मिल जाए, जो ऊंचे पद वाले होते हैं हम सोचते हैं हमें इनका सपोर्ट मिल जाए तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, फिर हमें कोई हराने वाला नहीं होगा, फिर हमारा कोई काम बिगाड़ने वाला नहीं होगा, फिर हमें जो है हमें लज्जित करने वाला कोई नहीं होगा, हम बड़े पावर में रहेंगे, हम सीना फुला के चलेंगे। अरे ये जो शक्तिशाली व्यक्ति है, ये जो धनवान व्यक्ति है, ये जो ऊंची पोस्ट वाला है, ये हमारी सपोर्ट में है, हम इसके मित्र हैं या हम इसके रिलेटिव हैं, जो भी है। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यदि परमेश्वर आपकी ओर नहीं है, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कई बार इस बात को बोला है और फिर से बोल रहा हूं, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, सारी दुनिया की धन दौलत, सारी दुनिया की पावर शक्तियां जितनी भी हैं, सब आपके साथ हो जाएं, और यदि परमेश्वर नहीं है तो आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। यदि सारी दुनिया एक तरफ है और आप अकेले हैं, और यदि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, तो आपको हराने वाला कोई नहीं मिलेगा, आपको मारने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस बात पर आप यकीन करें और विश्वास रखें। इसलिए भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए और किसी पे नहीं होना चाहिए। एक प्रेम अलग चीज होती है, मेल मिलाप अलग चीज होता है, परंतु भरोसा जो विश्वास होता है, एक अटूट विश्वास, वो अलग होता है, वो परमेश्वर पे होना चाहिए। अय्यूब क्या कहता है, अय्यूब 39 उसका 19 से 25 पदों को पढ़ेंगे तो उनमें घोड़ों की ताकत और साहस और गति की प्रशंसा की गई है। यहां पर जो है कविता के रूप में जो है, जब आप पढ़ेंगे, मैंने इसको पढ़ा नहीं है, आपको नोट्स दिए हैं, अय्यूब 39 19 से 25 पढ़ लीजिएगा। वहां पर घोड़ों के बारे में जो दिया गया, उसकी ताकत के बारे में वर्णन किया गया, उसके साहस के बारे में वर्णन किया गया है, और उसी उसकी गति की प्रशंसा की गई है। जी हाँ, ये अय्यूब की एक किताब में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। घोड़ों की चाल का वर्णन सिर्फ अय्यूब ही नहीं करता है, बल्कि यिर्मयाह 4 अध्याय उसके 13वें पद में भी लिखा हुआ है कि उसके घोड़े उकाओ से भी अधिक वेग से चलते हैं। उकाओ पक्षी जो बहुत ऊंचे आसमान पर उड़ता है और बहुत ही उड़ान उसकी होती है और बहुत तेज गति होती है उसकी, वो कहता है कि जो घोड़े हैं वो उकाओ पक्षी से भी तेज जो है वो दौड़ते हैं, उनकी चाल है। यहां परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बता रहा है। फिर हबाकुक 1 अध्याय और उसके 8वें पद को जरा ध्यान दीजिएगा, उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलते हैं। आपने देखा होगा कि जो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर में सबसे ज्यादा जो तेज चाल कही गई है वो चीते की कही गई है, और चीता बहुत तेजी से दौड़ता है। आपने देखा होगा जब ऐड वगैरह आते हैं मोटरसाइकिल वगैरह के, तो वो मोटरसाइकिल जो है वो चीता दौड़ रहा है, और चीता दौड़ते दौड़ते वो मोटरसाइकिल जो है वो बना देते हैं, वो ऐड देते हैं। आपने देखा होगा क्यों, क्योंकि चीते की चाल बहुत है। तो वो ऐड वाले ये दिखाते हैं कि ये जो मोटरसाइकिल है इसकी चाल जो है वो चीते के समान है। तो यहाँ पर जो हबाकुक बता रहा है, हबाकुक भविष्यवक्ता है एक और परमेश्वर का चुना हुआ दास है, वो बता रहा है कि जो घोड़े हैं उनकी जो चाल है, उनकी जो तेजी है, वो चीते के समान है, चीते के समान वेग से चलते हैं, बहुत तेजी के साथ वो चलते हैं। और इसलिए यिर्मयाह 3:3 का, पहले हम घोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। जी हाँ, देखिए अगर मैं ऐसे ही एक मोहर खोल देता कि ये वाला घोड़ा आया और उसका वर्णन करने लगता, तो उस घोड़ों की जो अहमियत है ना, वो आपको पता नहीं चलती,
कि ये क्या चीज है, किस पावर को दिखा रहा है, आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी ताकत है। जब स्टार्टिंग की चार मोहरें खुलेंगी तब आपको उन घोड़ों की पावर का, उनकी शक्ति का और उस घटना का जो है, जो भयंकर किस्म से घटित हो रही है, वो आपको जो है दिखाई देगी, सुनाई देगी, समझ में आएगी। और इसलिए इन घोड़ों के बारे में जानना जरूरी है। जैसे घोड़ों पर जो है लगाम लगाती है तो उसका पूरा शरीर कंट्रोल में कर लिया जाता है। आज घोड़ों की जगह, पहले युद्ध में, लड़ाइयों में, सवारियों में घोड़े जाते थे। आपने देखा होगा, कई साल पीछे चले जाइए तो घोड़ा टांगा चलता था, उसके ऊपर सवारी वो लाते थे। परंतु आज क्या, आज मोटर गाड़ियां हो गई हैं। मोटर गाड़ी, पूरी मोटर गाड़ी पर कंट्रोल करने के लिए ब्रेक लगाए गए हैं, जैसे घोड़ों पर लगाम लगाए जाते थे, ऐसे आज मोटर गाड़ियां हो गई हैं और उन पे ब्रेक लगाए जाते हैं। अगर उन पे ब्रेक ना लगाया जाए तो गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जैसे घोड़े को कंट्रोल में करने के लिए लगाम लगानी पड़ती है, ऐसी गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। जब आप पढ़ेंगे और घोड़ों के लगाम के बारे में इसके अर्थ जो है जब आप पढ़ते हैं तो इसका अर्थ जो है मनुष्य के शरीर से भी दिया गया। मनुष्य के शरीर की कंपेयरिंग जो है किससे की गई, जीभ पर। यदि कोई अपनी जीभ पर लगाम लगाता है तो वो अपने पूरे शरीर को कंट्रोल में करता है। अगर उसकी जीभ पर लगाम नहीं लगी है, उसने लगाम नहीं लगाई है, तो उसका पूरा शरीर जो है क्या होता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो बहुत सी उधमबाजी और बहुत सी चीजें करने लगता है। आप इसको पढ़ सकते हैं, याकूब की पत्री 3:1-12 तक आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि जीभ पर कंट्रोल, देखिए तीन चीजें, घोड़ों पर लगाम और गाड़ी पर लगाम लगाने के लिए ब्रेक और शरीर पर लगाम लगाने के लिए जीभ, जीभ पर लगाम लगानी जरूरी है। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। प्रकाशित वाक्य 6 जब 1-8 तक आप पढ़ेंगे तो यहां पर जो है चार घोड़ों का वर्णन किया गया है, चार घोड़ों का है। और इन चार घोड़ों का जो वर्णन है, जो संबंध है, वो जो है उन घटनाओं से है जो भविष्य में घटित होने वाली हैं या घटित हुई हैं, उनके बारे में जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है इस बात का वर्णन करती है। और इसलिए हमें समझना है कि घोड़ों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। जब आप जकरिया की पुस्तक पढ़ेंगे, जी हाँ, जकरिया 1:8, 6:2-3, 6:6 और जकरिया 9:10 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी कई घोड़ों का वर्णन किया गया है और वहां पर कई प्रकार के घोड़ों का है, उनका भी अर्थ है। क्योंकि जकरिया क्या है, जकरिया भी भविष्यवक्ता है, एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का चुना हुआ है। और वो जो जिन घोड़ों का वर्णन कर रहा है वो अलग किस्म की जो भविष्यवाणी है वो अलग है और उसके बारे में जकरिया जो है वो बात कर रहा है। मगर प्रकाशित वाक्य के अंदर जो घोड़ों का जिक्र है वो अलग है, सबका मतलब जो है वो अलग अलग है। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि जो बाइबल के अंदर घोड़ों का वर्णन दिया गया, उन घोड़ों का, संसारिक घोड़ों का अलग है। परंतु यहाँ जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 6:1-8 और जकरिया में जो मैंने आपको बताया है, जिन घोड़ों का वर्णन है वो आत्मिक रीति से उसका वर्णन किया गया है। वो उसको जो है हमें आत्मिक दृष्टिकोण से देखना है, आत्मिक दृष्टिकोण से समझना है और आत्मिक दृष्टिकोण से ही उसका वर्णन जो है वो करना है। उसका संसारिकता से कोई लेना देना नहीं है, संसारिक घोड़ों से कोई उसका लेना देना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें जब हम घोड़ों के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में जब बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि ये घोड़े की कंपेयरिंग संसारिकता से मत कर दीजिएगा, कहीं हम संसारिकता से, ये आत्मिकता की बातें हैं और यहां आत्मिक रीति से जो है बात हो रही है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो चार घोड़े स्टार्टिंग में हैं, प्रकाशित वाक्य 6:1-8 आप पढ़ेंगे जब, तो वहां जो चार घोड़ों का वर्णन है वो उन चार घोड़ों का वर्णन जो है उनका संबंध जो है वो चार प्राणियों से भी है। वो चार प्राणी कौन से, आपने देखा होगा, अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा, प्रकाशित वाक्य 4 उसके 7 पद में चार प्राणियों का वर्णन किया गया है। उनमें से हर एक प्राणी क्या करता है, वो यूहन्ना से कहता है यहां आ, यूहन्ना को बुलाता है और यूहन्ना को दिखाता है वो घोड़ा और उसके बारे में वर्णन करता है। इसका मतलब क्या है कि हर एक प्राणी का
उन घोड़ों के साथ कोई संबंध है। हम ये नहीं है हमने घोड़े ले लिए, वो है वो प्राणी जो है उनमें से एक प्राणी, यानी चार प्राणियों में से एक प्राणी कहता है इधर आ और मैं तुझे बताता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे मैंने कहा कि ये चार प्राणियों का जो संबंध है वो उन चार घोड़ों से है, और पिछले वीडियो में मैंने उन चार प्राणियों के बारे में वर्णन किया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और आप जब उसको देखेंगे तो आपको उन चार प्राणियों के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसका लिंक जो है, जो आपने देखा कि ये चार प्राणी और चार घोड़ों के बारे में, आप अच्छे से समझ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।